राष्ट्रीय तेल कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व वाली आनुषंगिक कंपनी और विदेशी इकाई ONGC विदेश लिमिटेड ने हाल ही में कोलंबिया की CPO-5 ब्लॉक लियानोस बेसिन में ड्रिल किए गए कुएं यूरेका IX में तेल की खोज की है। वेल यूरेका IX की खुदाई 20 अप्रैल 2022 को की गई थी और कुल 10,956 फुट की लक्षित गहराई तक ड्रिलिंग की गई, जिसमें 10,201 से 10,218 फुट की गहराई पर 17 फुट मोटी तेल युक्त रेत का पता चला। इलेक्ट्रिक समर्सिबल पंप से शुरुआती जांच के दौरान लगभग 40 से 50 प्रतिशत WC और 16 डिग्री API के तेल के साथ लगभग 600 BBL दिन की दर से तरल पदार्थ का प्रवाह मिला। लोअर मिराडोर में तेल की खोज से ब्लॉक के उत्तरी हिस्से में आगे की खोज के लिए नए क्षेत्र खुल गए हैं। ONGC विदेश इससे पहले मारीपोसा और इंडिको क्षेत्र में ब्लॉक में क्रमशः 2017 और 2018 में लोअर सैंड पे में व्यावसायिक तेल की खोज कर चुका है, जहां फिलहाल प्रतिदिन 20,000 BBL व्यावसायिक उत्पादन हो रहा है। ONGC विदेश लिमिटेड को वर्ष 2008 में कोलंबिया के एक बोली के चरण में ब्लॉक CPO-5 आवंटित किया गया था। ONGC विदेश के पास ऑपरेटरशिप के साथ ब्लॉक में 70% भागीदारी हित है, बाकी 30% हिस्सेदारी साझेदार जियोपार के पास है। ONGC विदेश की कोलंबिया के तेल एवं गैस क्षेत्र में अच्छी पहुंच है, जिससे देश के 3 अन्य खोज संबंधी ब्लॉक और तेल उत्पादक कंपनी मानसरोवर एनर्जी कोलंबिया लिमिटेड में संयुक्त हिस्सेदारी शामिल है। यूरेका IX के साथ ब्लॉक में एक नए तेल की खोज से ONGC के विदेश में तकनीकी और परिचालन दक्षता का पता चलता है और कोलंबिया में व्यापक खोज तथा ड्रिलिंग अभियान से इस दिशा में एक और उपलब्धि जुड़ गई है। खबर सबकी सीधी आप तक।